كيفية يشوش يلا اسكو डिस्कस कर चुके हैं बाइडेन से इम्पीचमेंट रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि बोलो। बस में मार्शल सेवा रखनी है या नहीं रखनी, ये राज्यपाल के अधिकार के अंदर आता है नहीं आता, इसके ऊपर क्वेश्चन किया है। और वो बोल रहे हैं कि हम अनुच्छेद 32 के तहत इसके ऊपर विचार नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज के ऊपर फैसला सुना चुके हैं। तो फिर से राज्यपाल के क्या अधिकार है और क्या नहीं है उनके ऊपर क्वेश्चन किया गया है। इसके अलावा देख सकते हैं कि 16 घंटे के अंदर आग बुझाई गई, तो फायर सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए उनको लिया जा सकता है और किस तरह से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसमें किस किस अथॉरिटी का रोल हो सकता है। ठीक कि फर्जी दस्तावेज दिखाकर 100 करोड़ का ऋण ले लिया गया, तो क्या लोन लेना इतना इजी है? इतना बड़ा लोन फर्जी दस्तावेज दिखाकर लिया जा सकता है, लेकिन अगर हम नॉर्मल लोन्स की बात करते हैं या फिर फार्मर्स के द्वारा लिए गए लोन की बात करते हैं, उनके लिए तो पहले या तो लैंड रखवाई जाती है या कुछ ना कुछ लिया जाता है। तो फिर इनको किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है? जैसे कि बोला जाता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है जो कि बर्डन है गवर्नमेंट के लिए, तो उस चीज को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? यहाँ पे हमने बात करी थी एक टर्म जो पहले देखी थी आर्टिकल में, कनेक्टेड लेंडिंग। तो वो एक ये इसका एग्जाम्पल हो गया कनेक्टेड लेंडिंग का, कि आप अपने नोन्स को लोन दे देते हो, वहाँ पे बायस आ जाती है। और वो भी यहाँ पे 100 करोड़ का लोन दिया गया, तो बहुत बड़ा अमाउंट। एक्सीडेंट से रिगार्डिंग है कि हेलमेट के लिए पुलिस ने अभियान चलाया है जिसके अंदर वो ऑटोमोबाइल कंपनी चेतक के साथ मिलकर हेलमेट से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाएगी। तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों का इम्पोर्टेंस देख सकते हैं कि कॉलेज में जाकर स्कूल में जाकर इन्होंने हेलमेट बांटे हैं ताकि उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जा सके। कर्नाटका में बेलगाम में का इशू है कि वहां पर एक महिला को के साथ बदसलूकी की गई और उसको खंभे से बांध दिया गया। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर वापस 17वीं शताब्दी की तरफ जा रहे हैं। उसके ऊपर कहा है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और अगर आरोपियों की बात करें तो दोनों ही एसटी और एससी समुदाय से हैं, तो उनके ऊपर ये कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे, नॉर्मल कानून के अंदर ही उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। ये वो देख सकते हैं कि पानी के लिए कि 72% घरों को पानी से स्वच्छ पानी के साथ पहुंचाया गया स्कीम के तहत, इसमें 11 करोड़ महिलाओं को इससे हेल्प मिलेगी, हर घर जल स्कीम। यहाँ पर लॉ बिफोर इक्वालिटी और रूल ऑफ लॉ की बात की जा सकती है। सौम्या चौरसिया जो कि एक सिविल सेवा अधिकारी थी, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, तो उनको मुकदमा दिया गया, 1 साल से अधिक जेल है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया उन पर। कोयले के खनन से रिलेटेड था कि अवैध तरह से वो वसूली कर रही थी उसके रिगार्डिंग। ये ले लो। पहाड़ों को बचाने की चुनौती कि अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं तो लाइफ जो है वो पहाड़ों से और समुद्र से ही होती है, जिसमें ज्यादातर देखा जाए तो पूरे दुनिया का 27% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है, जिसमें रहने के लिए भी है, खाने के लिए भी है, और पानी भी हमें पहाड़ों से प्रोवाइड होता है क्योंकि वहाँ ग्लेशियर है, उनसे जो पानी होता है वो ही पीते हैं और उन्हीं का ही कंटिन्यूसली हनन होता जा रहा है। तो उनको किस तरह से रोका जा सकता है? क्योंकि अगर पहाड़ बचेंगे तभी नदियां होंगी, तभी पानी होगा, तभी खाना होगा, तभी जैविक विविधता भी बचेगी। तो उसकी इम्पोर्टेंस को समझना जरूरी है और वो सभी तरह से समझी जा सकती है कि राजनीतिक, वैज्ञानिक और वित्तीय तीनों तरह से, कि पॉलिटिकल लेवल पर भी, साइंटिफिक लेवल पर भी, फाइनेंस लेवल पर भी, जो चीजें जरूरी है उन्हें बचाने के लिए उनको करना होगा। अगर इसकी पहली बार इस मुद्दे की बात करें तो 1922 में उठाया 92 में उठाया गया था पर्यावरण और वित्तीय विकास संयुक्त सम्मेलन में, जिसमें ये बताया गया था कि क्या क्या नाजुक परिस्थितियां हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें इम्प्रूव की जानी चाहिए। और अगर इनसे खतरे की बात करें तो
बहुत अधिक बारिश होती है, जल चक्र टूटता है कि बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं और तरह की प्रक्रियाएं होती है, तो उनको रोका जाना चाहिए। और COP28 में भी अगर भारत ने जो अलग मुद्दा उठाया है वो यही है कि किस तरह से पहाड़ों को बचाया जाए। वो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अरावली में किस तरह से रेगुलेशन होने के बावजूद भी छोटी पहाड़ियां उनको कंटिन्यूअसली काटा जा रहा है और पत्थर की चोरी होती है, फिर उसको वहां से बेच दिया जाता है इनलीगल तरीके से, रेत लैंड सोइल माफिया बोलते हैं जिसको, उस तरह से। तो उसको किस तरह से रोका जाए कि बड़े पहाड़ी नहीं, छोटे पहाड़ भी इंपॉर्टेंट है। अगर उनके नुकसान से देखा जाए तो पिछले 30 साल में इतना नुकसान हुआ है जितने पिछले 500 सालों में नहीं हुआ। तो और मेन राज्यों की बात करें तो असम, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इनमें सबसे ज्यादा हनन होता हुआ दिखाई देता है। तो उनके लिए क्या एक्ट लानी चाहिए, किस तरह से इनको बचाया जा सके, उसके ऊपर काम करना जरूरी है। यहाँ स्त्री के दुश्वारी इसमें यह बताया गया कि किस तरह से, अगर जब हम बात करते हैं फीमेल्स की, तो उनको लिए उन्हें स्त्री दर्जा यानी कि सेकंड सिटीजनशिप का दर्जा दिया जाता है, तो उनके लिए काफी चेंजेस किए जा सकते हैं। जो जिस तरह की सुविधाएं उन्हें जहाँ वो काम करती है वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए वहां नहीं होती, उसके अलावा उन्हें जिस कारण से उन्हें UTI जैसी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है, और सरकार ने अलग अलग कानून चलाए जैसे ODF वगैरह या स्वच्छ भारत अभियान के तहत अलग अलग स्कीम चलाई गई है, पर वो स्कीम कितने स्तर पर जमीनी लेवल पर लागू हो रही है नहीं हो रही, उनको किस तरह से सही बनाया जा सकता है, उनके ऊपर नीतियों पर काम करना जरूरत है। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 152 की बात करें तो वो ये कहता है कि नागरिक उपयुक्त सभी जगहों पर धर्म, जाति, वेशभूषा के आधार पर प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो नागरिकों के यूज करने की जगह है जिसमें होटल हो, ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, सभी सम्मिलित हो जाएंगे। ये लेना मानसी। तो यहाँ पे है कल्प मेधा, वह सब कुछ महान और प्रेरणादायक है किसी उस व्यक्ति द्वारा निर्मित है जो स्वतंत्रता में परिश्रम कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ही सेइंग है। वो सब कुछ महान और प्रेरणादायक रहता है जहाँ पे कोई व्यक्ति व्यक्ति द्वारा निर्मित है या जो स्वतंत्रता में परिश्रम कर सकता है। मतलब फ्रीडम आपके पास है बट उस टाइम पे भी आप कॉशियस हो, उस फ्रीडम का भी आप मिसयूज नहीं कर रहे हो, बट फ्रीडम के बावजूद भी अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, गिवन कि टाइम कैन चेंज सडनली, मतलब बैकफायर भी कर सकती है चीजें, तो उस फ्रीडम का मिसयूज नहीं किया जा रहा है, आप उसको भी वैल्यू करते हो। तो यहाँ पे उस चीज का इंडिया मतलब का एग्जाम्पल हो गया या प्रेरणादायक। फिर कोई भी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्समैन के एग्जाम्पल हो गया, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, वो महान और प्रेरणादायक है। महात्मा गांधी के एग्जाम्पल हो गया, फिर इंडिया का एग्जाम्पल हो गया आफ्टर द फ्रीडम। फ्रीडम के बाद भी मैंने परिश्रम करते रहा इंडिया भी, तभी इंडिपेंडेंट जाके ग्लोबल पावर, ग्लोबल साउथ का लीडर अभी है, और फिर ग्लोबल पावर, इमर्जिंग ग्लोबल पावर है। तो वो सब करूँ ना। इसमें जैसे मैं ये सोच सकती हूँ कि स्वतंत्रता में परिश्रम के लिए कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, आप आउट ऑफ द वे जा रहे हो, एक्सपेरिमेंटिंग कर रहे हो। हाँ, आपके पास जो भी वेज है आप सब एक्सप्लोर कर रहे हो और आप सब पे काम कर रहे हो, तो वही बात हुआ कि स्वतंत्रता में परिश्रम कर सकता है, वो फैल नहीं रहा है एक तरह से देखा जाए, वो अपने आप को रोक नहीं रहा है, वो कॉम्पिटिटिव, इनहेरेंटली कॉम्पिटिटिव है और काम करते जा रहा है। तो आई थिंक ले चुके हैं भारत फिलीपींस की सेनाओं के बीच होगा युद्ध अभ्यास। तो इंडो पैसिफिक का बात करते हैं, इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन और कैसे इंडिया एशियन कंट्री, फिलीपींस इज अ पार्ट ऑफ द एशियन कंट्री, और दोनों आपस में कैसे एक
एंटी चाइना नहीं बोल सकते, टू कर्व द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन दैट रीजन। G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने पर भारत ने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ को लेनी चाहिए प्रेरणा। तो ये इंडिया बात कर रहा है कि यूएन को एक तरह से इंस्पायर होना चाहिए फ्रॉम द ड्यूटी विच इंडिया हैव प्लेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ द G20 अफ्रीकन यूनियन इन टू द G20 मेंबरशिप। तो वहां पर भी होना चाहिए ऐसा मल्टीलैटरल पार्टिसिपेशन इंक्लूजन, यूएनएससी में होना चाहिए, यूएन में भी होना चाहिए, हर एक फील्ड में। मानसी यू कैन टेक अप इन टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके स्क्रीन शेयरिंग राइट्स दे दो एक बार। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लिकर, सो राजस्थान में देखा जा रहा है कि लिकर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द कल्चरल हेरिटेज, एंड यहाँ पे हम फ्रूट बेस्ड लिकर को प्रमोट कर सकते हैं। उसका कमर्शलाइजेशन वुड बी हेल्पिंग अस एंड कीपिंग द कल्चर ऑल्सो रिवाइव। सो रिवाइवलिज्म का एक एग्जाम्पल, सो राजस्थान ग्लोरियस हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद इट, एंड हेयर वी आर सीइंग फॉर एग्जाम्पल PSU is already working on vine varieties made of kinu, oranges and custard apples. So even for जो बात करते हो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, सो ये पूरी एक सप्लाई चेन अलग से यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, दे आर ऑलरेडी प्रमोटिंग दीज फ्रूट बेस्ड वाइन्स लाइक जोटवाड़ा इन जयपुर। सो देर इज बिग पोटेंशियल इन दीज प्रोजेक्ट इन दीज प्रोडक्ट्स, और ये हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल कंसिडर की जाती है। सो वेस्टर्न कंट्रीज गिवन देयर हेल्थ बेनिफिट्स ऑल्सो, सो फ्रूट बेस्ड लेकर बहुत पॉपुलर है वेस्टर्न मार्केट्स में भी। सो टूरिस्ट एक्टिविटीज इन सैम ड्यून्स वॉयलेटिंग द ग्रीन नॉर्म्स अकॉर्डिंग टू NGT। सो दिस इज द ऑर्डर बोला जा रहा है कि जब हम बात करते हैं कि हिली स्टेट्स में टूरिस्ट कैपेसिटी की, तो यहाँ पे भी ये बोला जा रहा है कि टूरिस्ट कैपेसिटी पता होनी चाहिए आपको। उस एक्टिविटी को भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू इंश्योर कि लाइसेंसिंग प्रॉपर हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ जीप्स एंड कैमल सफारी जो की जाती है। जब पीक सीजन होता है तो ये बहुत ज्यादा एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती है, तो इसकी वजह से वी आर सीइंग कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है जो ये जो सैम ड्यून्स वाला रीजन है, या फिर इवन नेशनल पार्क्स है, सेंचुरीज भी लोकेटेड है, फॉरेस्ट एरियाज भी हैं, तो सब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज है। यहाँ पे सडनली पीक सीजन में जिस तरीके से एक्टिविटीज रहती है, इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ, अगर हम टूरिस्ट की भी बात करते हैं, लाइक कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, गार्बेज डंप कर देते हैं, सो दैट इज नॉट सपोर्टेड। सो हेयर रेगुलेशन, ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग अमंग 1,000 कैमल सफारीज, द प्रॉपर डेटा नीड्स टू बी असेंबल्ड, एंड एनवायरमेंटल नॉर्म्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स भी नहीं होती है। तो ऐसे जो टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे EIS करना इम्पॉर्टेंट है। एंड एक्ट की बात करें तो एयर एंड वाटर एक्ट्स वुड बी इम्पॉर्टेंट, एंड इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज वुड ऑल्सो भी नीडेड। सो क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए ऑफ द रेगुलेशन, कौन से टाइप्स के व्हीकल्स वुड बी परमिटेड। तो अभी थिंग्स आर गोइंग इन एन यू नो अनरेगुलेटेड मैनर इवन ड्यूरिंग द पीक सीजन, प्रॉम्प्टिंग द इशुएंस ऑफ दी दिस पर्टिकुलर डायरेक्टिव। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो BSF कैचेस द ट्रेंड पिजन फ्रॉम पाकिस्तान। सो वी बीन सीइंग की टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स की हम बात करते हैं, उसके लिए हम एंटी ड्रोन सिस्टम भी लेके आ रहे हैं, बट यहाँ पे इसको आप कैसे टैकल करोगे? सो दिस नीड्स टू बी लुकड इन टू, बिकॉज यहाँ पे आप उनको यू कांट किल देम ऑल्सो, बिकॉज दिस वुड बी अगेन क्रुअलिटी टुवर्ड्स द एनिमल्स ऑल्सो। सो और ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक थ्रेट है। सो जैसलमेर आर ज्वाइनिंग इंटरनेशनल बॉर्डर इस एरिया में, देव कॉट दिस ट्रेंड पिजन। तो कैसे बेसिकली सस्पिशियस एक्टिविटीज में इट कैन गेट इन्वॉल्व, एंड सस्पिशियस एरोप्लेन शेप्ड बलून विद पाकिस्तान रिटन ऑन इट वॉज फाउंड बाय अ विलेजर इन द फील्ड। सो इवन जो एंड स्पाई बलून जो चाइना और USA के बीच में भी एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, सो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज बीन हैपन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान ऑल्सो। एंड ये एक एरिया है, सो लाइन ऑफ नो कंट्रोल में बात कर, जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ उसके कॉन्टेक्स्ट में ये कार्टून है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है द पर्सन हु इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, सम रियली प्रॉबिंग क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड, एंड बोथ इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी, और ऑपोजिशन भी कुछ ऐसे प्रॉबिंग क्वेश्चंस पूछ सकता है। सो द पर्सन पूछ रहे कि
कैसे क्वेश्चंस, लाइक व्हाट? सो ही सेज ऐसे क्वेश्चंस कि कौन इस टूल किट के पीछे, क्या ऐसा कोई यू नो प्रॉपर ऑर्गेनाइज नेटवर्क वर्क कर रहा है जिसकी वजह से वो ये इतनी इजीली पार्लियामेंट में घुस मतलब एंटर कर पाए, और उनके पास कैनिस्टर भी था. फिर ऑपोजिशन क्यों अपोज कर रहा है इस सबको, क्या उनके पीछे भी एक क्वेश्चन ये रेज किया जा रहा है कि आर दे रियली फंडेड बाय सोरोस? तो सोरोस कौन है? सोरोस जॉर्ज सोरोस एक यूएस एक अमेरिकन बेस्ड बिजनेसमैन है. सो इंडिया के साथ जो उनका यू नो लिंक है, दैट इज कि जो इंडिया में एनजीओज और फॉरेन फंडिंग रिसीव करते हैं, तो इट इज बिलीव्ड कि ही इज बिहाइंड द एंटी इंडिया कैंपेन, तो ये टर्म यूज की जाती है फॉर हिम. सो यही बोला जा रहा है कि क्या ऑपोजिशन को भी वही फंड करे जॉर्ज सोरोस. सो दैट्स ऑल एज फार एज टाइम्स ऑफ इंडिया इज कंसर्न. एंड टॉकिंग अबाउट गोइंग थ्रू अगेन द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी टॉपिक्स दैट वी कवर ड्यूरिंग द डे. सो हमने बात करी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, एमएसएमई सेक्टर इज देयर, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, मोर मैकेनाइजेशन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऑलरेडी इट इज बीन रिड्यूसिंग, इट इज रीच अराउंड 7.8%, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी दैट्स इंपॉर्टेंट, लेबर लॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो ओवरऑल सिनर्जी बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड हेयर वी हैव द टारगेट ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट नीड्स टू बी इंक्रीज टू 25%. एंड यू टॉक्ड अबाउट द टीओटी मॉडल व्हिच इज वन अ टाइप ऑफ अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर. पीपीआई वी हैव टॉक्ड की एज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स को वुड बी रिप्लेस बाय द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. सैस सिस्टम की बात करें, इस पर ऑलरेडी प्रेजेंट में क्वेश्चन आ चुका है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. इसमें एग्जाम्पल इज द जोहो स्टार्टअप हु आर इन्वॉल्व इन टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो इट इज बेस्ड ऑन दैट. एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और चीपर कैसे हो सकते हैं, वन वी टॉक अबाउट लिथियम आयन बैटरीज, सो वी टॉक्ड अबाउट सोडियम आयन बैटरीज टूडे विच इज अगेन इजिली वाइबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो. एंड की वर्ड्स इन्फोकैलिप्स एंड कैच 22 मोमेंट एज फार एज क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूसिंग एंड अ डिपेंडेंस अपॉन द फॉसिल फ्यूल्स इज कंसर्न. एंड अनदर इज पोस्ट ट्रूथ एरा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे. करो ना। In terms of geography, the keyword I would like to highlight is strategic second guessing in climate change, then just transition with equity and accountability, then Bharti Antariksh Station that will be India's planned space station, then we also talked about cleaner and quieter ocean with India's fastest solar electric boat in Barracuda. Then we talked about SYL, that is Satluj Yamuna Link Canal dispute, that is unresolved issue of water sharing of the Satluj River. That is also in geography perspective. From my perspective, international relation, important is keyword we have discuss about the map of the Russia and Ukraine, the Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, and the Dnieper River, Crimea, Sea of Azov, Kerch Strait, Black Sea, etc. Then Indus Water Treaty 1960, Lahore Declaration 1999, Simla Agreement 1972. Then the map of the Satluj River, Bias, and Ravi River. Then map of the Indus. Then Indus, ERS, Chenab, and another one. I am not recalling right now. So we Jhelum. have discussed. Ah, Jhelum. So we discuss about that one. Then regarding the India Maldives issue, we discuss ki how there is a rise of in Chinese sentiment in that anti-India sentiment in Maldives. And that's all from my side. Achal. Yes. So firstly, we have discussed about कि कास्ट के लिए हम एक बार और यूज कर सकते हैं, इट इज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी. तो दिस इज द कीवर्ड. एंड नेक्स्ट वी आई एम डिस्कस अबाउट एकेडमिक फ्रीडम्स, दैट इज स्टेट पावर रिगार्डलेस ऑफ इट्स आइडियोलॉजी. देन वन पर्सनैलिटी इज ऑल्सो देयर, डैनियल बेरियो, जो कि एक अर्जेंटीनियन बोर्न थे, लेकिन उन्होंने क्या, उनका रोल ये है कि उनको इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मेंट एंड डेवलपमेंट मिला है, और उनकी जो नॉन वायलेंस और उसके थ्रू म्यूजिक के थ्रू जो उन्होंने इंटरप्रेट किया, उससे हमें इजराइल और पैलेस्टीन पीपल्स के बीच में टाई अप करने में हेल्प मिलेगी. तो इस तरीके के मतलब पर्सनैलिटीज होती है जो अपने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं थ्रू कल्चरल एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन. नेक्स्ट कीवर्ड इज जेंडर पैरिटी, जेंडर डाइवर्सिटी,
फॉर ब्रेकिंग द बैरियर्स एंड फोस्टरिंग एन इकोनॉमी वेयर वुमेन फ्लरिश एज लीडर्स. तो इस टाइप का पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन के बारे में बात करनी है. देन जन औषधि केंद्र का इनोग्रेशन हुआ है झारखंड के एक एरिया में, जो जिसका नंबर है 10,000. तो इसमें ये है कि मतलब मेन टारगेट इसमें ये है कि हमें 25,000 के अप्रोक्स, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है विकसित भारत संकल्प यात्रा का, तो ये भी एक हम आंसर में लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सैक्रिलेज एंड ब्लास्फेमी. हमने सैक्रिलेज तो ये होता है कि मिसयूज और वॉयलेशन ऑफ समथिंग रिगार्डेड एज सैक्रिल, और सेम एज अगर ब्लास्फेमी की बात करें तो वो होता है इरिवरेंस टुवर्ड समथिंग कंसीडर्ड सैक्रिल और इनवॉयलेबल. तो ये इस कंटेक्स्ट में था कि सुखबीर सिंह बादल उन्होंने अप्लाइज किया है इसके रिगार्डिंग. देन नेक्स्ट इज गार्बेज ट्रीटमेंट की बात करें अगर हम, तो उस पे फाइन लगा है ₹5 लाख का. नेक्स्ट इज सम फैक्ट्स आर देयर लाइक कि हरियाणा में अगर हम बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कब तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कि बाय 2025 तक बोला गया है कि ऐसा हो जाएगा. देन नेक्स्ट इज कि सेंटर हैज आल्सो आस्क्ड टू सेट अप मिल्क प्लांट प्रोसेसिंग यूनिट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट. तो हम इसमें अपना रूरल एरियाज बैकग्राउंड के उसके भी आप पे इसको कोट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्रू फैशन के बारे में हमने पिक्चर देखी थी, तो उसमें यही है कि ग्लोबल रीच है, कल्चरल रेफरेंस दे रहे हैं, ब्रांड आइडेंटिटी भी होती है डिफरेंट डिजाइन के साथ, तो इसी तरीके से ये एक इंडस्ट्री है. देन नेक्स्ट इज राइड हेलिंग टू बूस्ट फीमेल वर्कफोर्स. तो इसमें ये है कि मतलब थ्रू आप जैसे कि अबर और ये सब होता है ना, इसके थ्रू आप बता रहे हो कि कितनी वुमेन्स ट्रेवल कर रही है, और उसके भी आप पे हमें पता चलेगा कि फीमेल वर्कफोर्स कितना पार्टिसिपेट कर रही है. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. दिव्य, इन पॉलिटिक्स फर्स्ट वी डिस्कस यूएपीए एक्ट 1967, जो टेरर चार्जेस लगे हैं उसमें था कि इंटेंशन टू थ्रेट और दैट इज लाइक टू थ्रेटन द कंट्री यूनिटी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सस्पेंशन फ्रॉम हाउस जिसकी पावर होती है स्पीकर के पास, जिसमें डिस्टर्ब और पार्लियामेंट प्रोसीडिंग से रिलेटेड था. नेक्स्ट डिस्कस किया था कि नोडल अथॉरिटीज बनानी चाहिए स्टेट को, जो अभी सिर्फ असम में, और फॉरेन ट्रिब्यूनल्स की बात की थी जो असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग 1962 और 1971 के बाद जो बांग्लादेश और म्यांमार से इन्वेजन रेफ्यूजीज आए थे उनके लिए था, कि जो असम के सिटीजन्स हैं उनकी राइट्स को रखने के लिए क्या होने चाहिए, तो उसके लिए असम अकॉर्ड्स बने थे. नेक्स्ट हमने कहा था डी रजिस्ट्रेशन और डी लिस्टिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं करता, इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, और आरपीए एक्ट 1950 ये डिसाइड करता है कि प्री इलेक्शन में क्या क्या चीजें होंगी, और 1951 होगा कि कैसे इलेक्शन होते हैं. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की 370 जो आर्टिकल है वो ज्यादा सपोर्ट के लिए उसको किस तरह से और बढ़ावा मिले इस तरह से किया गया था, ना कि फेडरलिज्म था. कश्मीर ऑलरेडी इंटीग्रल पार्ट था इंडिया का, 1370 रिमूव होने के बाद इंटीग्रल नहीं हुआ, वो ऑलरेडी इंटीग्रल पार्ट था. इसी तरह से 371 में जो आर्टिकल्स है वो नागालैंड को और अदर स्टेट्स को स्पेशल राइट्स देते हैं, पर वो टेम्परेरी बेसिस पे है, जिसमें अभी गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, पर उनको भी रिमूव किया जा सकता है अगर नीड होगी तो. दैट्स इट. थैंक यू. मासी यू कैन एंड ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन अंसरकारी. यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर एंड डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस एवरी डे.